असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेशन पर वेलकम कहती हूँ हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्रैकिंग द कोर्स जिसमें हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वो क्वेश्चन जो कि पास पेपर्स में अगेन एंड अगेन रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं तो आज जो क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर दैट इज इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट विद टेक्सल रेफरेंसेस तो जब भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो मैं आपको अगेन एंड अगेन, अगेन बताती होती हूँ कि हम लोगों ने ना तो प्ले के बारे में इतना बताना है ना राइटर के बारे में इतना बताना है अपनी स्टेटमेंट से रेलिवेंट लैके हम लोगों ने अपना आंसर लिखना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीधे सीधे, सीधे, सीधे स्टेटमेंट आ गई जी इम्पोर्टेंट थीम्स लिखें लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट की टेक्स्टल रेफरेंस के साथ हमने ये किया कि ये जो प्ले है जी न लिखा है जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज और स्ट्रगल्स के साथ डील करता है टायरन फैमिली की और ये क्या है सिंगल डे के ऊपर बेस करी पूरी स्टोरी इतना सा बता दिया मोर ओवर इन दिस प्ले द राइटर डील्स विद सर्टन इशूज अभी सर्टन इशूज मतलब हमारे इंपॉर्टेंट थीम्स वो कौन कौन से है फैमिली हो गया एडिक्शन हो गया इलनेस हो गया डिनाइल हो गया द पैसेज ऑफ टाइम हो गया इसके अलावा भी हैं रिग्रेट एंड गिल्ट टाइम एंड एजिंग आइसोलेशन लोनीनेस मतलब जितने भी आपके नेम में माइंड माइंड में नेम्स आ रहे हैं ना उनको आप लिख दें अगर थोड़े लिखें यहाँ पे फुल स्ट्रॉप लीजिएगा ई टी सी ठीक है ये लिखना है ठीक हो गया हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया अब फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं आपने कहा यार चीज़ आएन में रखनी है इंटेंडेड फॉर्म में शुरू हो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है शुरू पे थोड़ी स्पेस दिए फिर नीचे आगे प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है ठीक है तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंटेंडेड फॉर्म में शुरू हो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप मार्कर से लिखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सर्टन इशूज़ यहाँ सर्टेन इश्यूज का मतलब होता है थीम्स आपने इसको मार्कर से लिखना है आगे जो जो आप थीम्स के नेम लिख रहे हैं उनको आप मार्कर से लिखें या आप बॉल पॉइंट से ही लिख के नीचे मार्कर से अंडरलाइन कर लें ताकि हाईलाइट हो जाए कि आप ये ये थीम्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे इसके अंदर मौजूद है क्लियर अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ करना है आप लोगों ने अगेन इंटेंडेड फॉर्म में सेकेंड पैराग्राफ शुरू करना है और फर्स्ट पैराग्राफ की जहाँ पे एंडिंग हुई थी वहाँ से ही सेकेंड शुरू करें फर्स्ट पैराग्राफ हमारा पैसेज ऑफ टाइम पे एंड हुआ था तो हम लोगों ने यहीं से शुरू करना है क्या कहेंगे जी द पैसेज ऑफ टाइम एंड इम्पैक्ट ऑफ एजिंग आर सिग्निफिकेंट थीम्स इन द प्ले द करेक्टर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर लॉस्ट यूथ एंड मिस्ड चांसेस ठीक है यहाँ से शुरू करना है आपने हेडिंग नहीं देनी ठीक है ये याद रखना अपने हेडिंग में देनी आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट थीम्स आ रहे हैं उनको आपने मार्कर से लिख देना है जैसे कि द दैसिटी ऑफ टाइम द इम्पैक्ट ऑफ एजिंग ये थीम्स है इनको मार्कर से लिख दिया आपने लिखने के बाद उसमें कोटेशन कोट करनी है कोटेशन कैसे कोट करनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं पैराग्राफ आप इंटरनेट फॉर्म में शुरू किया आपका पैराग्राफ एंड हुआ एंड होने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है फिर कोटेशन लिखनी है कोटेशन कंप्लीट हो गई तो आपने फिर एक लाइन छोड़कर अगला पैराग्राफ शुरू करना है ये सारी टिप्स जो तो मैंने आपको हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वाली वीडियो के अंदर इन डेप्थ यानी कि डिटेल के साथ कवर किया हुआ है वो आपने वीडियो देख लेनी है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी तो कोटेशन है जेम्स टायरन वे हैव द इयर्स गोन आई हैव कम टू रियलाइज वट आर डैम्प फुलिश यंग पप आई वॉस पप मतलब की बात की गई है मैरिटायन द पास्ट इज द प्रेजेंट इजेंट इट इट इज द फ्यूचर टू अभी बेसिकली जेम्स टायर और मेरी टायर बेसिकली फैमिली के हस्बैंड एंड वाइफ हेड है ठीक है जो कि पास्ट के बारे में एजेंट के बारे में बात करें कोटेशन से प्रूफ हो रहा है हमारे कि हाँ यहाँ पर ये यह थीम है ये हो गया अब जब हमारा थीम खत्म हो गया ना ये वाला हम अगला थीम शुरू करने लगे हैं तो हम लोगों ने अगला थीम अगला पैराग्राफ शुरू करने के लिए मोर ओवर इन एडिशन हाउ एवर इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं ठीक है थीके? क्योंकि हम लोगों ने बुलेट्स या पॉइंट्स नहीं बनाने हम लोगों ने पॉइंट्स बना के आगे पैराग्राफ नहीं लिखना हमने सारा का सारा पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखना है उस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट थीम्स आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनको मार्कर से या बोल्ड करके लिखना है या इटैलिक में लिखना है या उसको बोल पॉइंट से लिख के नीचे मार्कर से लाइन लगा देनी है ठीक ये तो हमारा हो गया फिर हम क्या करेंगे कि मोर ओवर फैमिली एंड दिस फंक्शन

ये yeah, हमने स्टार्टिंग में किया मोर ओवर का वर्ड बोला है यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हमने बोला है मीन हमने लिखना है ये यह जस्ट यहाँ पे रफली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन को इसको अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ तो मोर ओवर लिख के हम लोगों ने हमारा अगला पैराग्राफ शुरू किया है और जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट जगह सेम से, से, से वैसे ही हमने पे कोटेशन कोड करनी है जेम्स टायरन द थिंग्स दैट वर इन माई हार्ट आर इन माई थ्रॉट मैरी टायरन आई एम सो मैड एट हिम आई डो नॉट नो वॉट टू डू आई एम फ एविल कराए इफ़ आई टॉक टू हिम ठीक है तो ये भी क्या है ये डिसफंक्शन की कोटेशन है फैमिली डायनमिक्स की कोटेशन है हमने एक कॉट कर ली अब कोटेशन लिखते हुए ये बात याद रखनी है आपने कि आपने कोटेशन ऐसे शुरू करनी है ठीक है मतलब मिट से शुरू करनी है और मिट तक ही रहे इस तरह से अगर वो ये नहीं करना आपने कि कोटेशन मिट से शुरू की है पूरी नहीं हुई तो उसको आगे लेके चले गए फिर उसके बाद नीचे आ रहे हैं नहीं टेशन आपने पेपर के पेज के मिड से शुरू करनी है मिड से मिड तक पूरी नहीं हुई तो आपने उसको नीचे ले आना है उसके बिल्कुल नीचे लेवल पे रखना है फिर उसको नीचे बिल्कुल लेवल पे रखना है इस तरह से कोटेशन आपने लिखनी है ठीक हो गया तो ये हमारा जब सेकेंड थीम भी डिस्कस हो गया हमें थर्ड डिस्कस करना है इन एडिशन कौन सा द थीम ऑफ एडिक्शन इज ऑल्सो प्लेज सेंट्रल रोल इन द प्ले ठीक है यहाँ पे इन एडिशन थीम ऑफ एडिक्शन इज सेंट्रल टू द्ले एज वेल इस तरह लिखना है फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देनी है फिर अगेन कोटेशन कोट करनी है कोटेशन कैसे बिल्कुल वैसे ही कि सेंटर से वो पैराग्राफ एंड हुआ तो एक लाइन छोड़नी है कोटेशन लिख के फिर एक और लाइन छोड़नी है और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ इंटेंडेड फॉर्म में शुरू करना है आपने बात लाजमी याद रखें कि जब भी पैराग्राफ शुरू करना है नेक्स्ट इंटेंडेड फॉर्म में ही शुरू करना है यानी हाँ जब आप एडिक्शन की स्केबिज की बात करें तो वहाँ पर मैरी का रेफरेंस दे दें कि मैरी जो थी वो एडिक्शन टू मोफीन एडिक्शन करती थी जेम्स अल्कोहलिज्म अब बेसिकली इनका जो बेटा है जेम्स का और मैरी का वो भी ड्रिंकिंग करता था और उसकी कोटेशन है वायदा बकायदा पॉपरली बी ड्रंकन ड्रंकन ऑफ वॉट ठीक है सारी कोटेशन एक पूरी पोइट्री चल रही होती उसके है उसके ऊपर ये इनके उस तो ड्रिंकिंग के ऊपर पोइट्री पूरी लिखी हुई है आप वो रेफरेंस कोट कर सकते हैं और बताएं कि कैरेक्टर्स जो थे ये अल्कोहलिज्म की तरफ मोफीन की तरफ क्यों जा रहे थे इसकेपिज़म के लिए ठीक है अपनी जो पेनफुल रियलिटीज हैं उनसे इसकेप लेने के लिए ये आपने बता दिया कोटेशन कोट कर दी आपका एक थी मुकम्मल इन एडिशन लिखें या मोर ओवर लिखें या हा एवर बता के कि ये तो थीम है इसका इसके साथ साथ इस प्ले का एक और थीम है और वो थीम कौन सा है एलियन एंड रियलिटी ठीक है द कैरेक्टर्स आफ एन स्ट्रगल विद डिस्टिंग बिटवीन एलियन एंड रियलिटी यहाँ पे ये भी थीम है तो इसको आपने मार्कर से लिख दिया दिक्लिंग टू फॉल्स होप्स एंड फैंटेसीज टू शील्ड दम सेल्व फ्राम द हार्ड ट्रूस ऑफ देयर लाइफ नीचे रेफरेंस है ठीक है रेफरेंस योर आर ड्रीम आई हैव सीन इट इन योर फ्रॉम द फर्स्ट ठीक है आप बेशक कितना लिख लो या आप दोनों दोनों रेफरेंस भी कोड कर लो ठीक है आप पर डिपेंड करता है दोनों भी ठीक होंगे अगर एक भी लाइन लिख ली आपने वो भी ठीक होगी क्योंकि मेनली रेफरेंस कोड करना है और अगर आप जितने थीम डिस्कस करें उन सब के सब थीम्स के साथ कोटेशन कोड करोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वरना एक पेपर के अंदर फोर टू फाइव कोटेशन जो है ना वो लाइक अच्छी समझी जाती है कि हाँ इसने कम से कम फोर टू फाइव कोटेशन लिखी है इसका मतलब क्या पेपर आपका अच्छा समझा जा रहा है वरना वही बात की जितने थीम डिस्कस करें उन सब थीम्स के साथ आप कोटेशन लिखो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे अब इसी के साथ हमारा जब ये वाला थीम कंप्लीट हो गया हमने यहाँ पे बता दिया कि ये वाली बात है कि इसमें एलियन के अंदर करैक्टर रहते हैं रियलिटी जो है उसको फेस नहीं करना चाहते और वो फॉल्स होप्स के अंदर रह रहे हैं उन्होंने खुद को शील्ड करने के लिए फॉल्स ट्रूथ्स लाइक फॉल्स होप्स के अंदर अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है हार्श ट्रूथ से हार्श शेल्ट से सेफ रहने के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं ठीक है वो कोटेशन हमने यहाँ पे कोट कर ली इसी के साथ जब हमारे वाला पैराग्राफ खत्म हुआ हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लिख सकते हैं फर्दर मोर इन एडिशन ऑल्सो बिसाइड्स एडिशनली ऑन टॉप ऑफ दैट ओवर एंड अबव दैट इन टू द बारगेन ठीक है ये वाले आप सरोम्स देख लें इन सिनोनिम्स को अपने पास लिख लें ठीक है और आपको सिनोनिम्स आने आ, आने होने चाहिए लास्ट में क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उनमें नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाने के लिए आपको ये वाले वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है ठीक है तो हम लोगों ने इसे देखें हम लोगों ने इन एडिशन भी यूज़ कर लिया है हम लोगों ने पीछे मोर ओवर भी यूज़ कर लिया अब हम लाइक फर्दर मोर यूज़ कर लेते हैं ठीक है थीके? फर्दर मोर का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट थीम डिस्कस करेंगे फर्दर मोर द करेक्टर इज ग्रेपल विद रिग्रेट रिग्रेट एंड गिल्ट ओवर द पास्ट चॉइस एंड मिस ऑपरचुनिटीज ये रिग्रेट एंड गिल्ड जो है अगेन इंपॉर्टेंट थीम है हमने इसको मार्कर से लिख लिया एंड मिस अपॉर्चुनिटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू दे इमोशनल टर्मोल ठीक है अब यहाँ पर रेफरेंस हमको ऑर्ड करेंगे वो भी मैं रेफरेंस भी हम लोग मार्कर से ही लिखेंगे और कैसे सेंटर में एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़नी है जेम्स टायरून का रिग्रेट क्या है आई कुड हैव बीन अ ग्रेट मैन आई कुड हैव बीन अ ग्रेट रिच मैन मेरी टायरुन की थी इट वॉज सो मच वर्स फू मी इन अ वे बिकॉज इट वॉज माई फॉल्ट ठीक है गिल्ट को रिग्रेट को हाईलाइट करी है वोली कोटेशन एंड देन हमने फर्दर मोर का वर्ड भी यूज कर लिया ऑन टॉप ऑफ दैट यूज कर लेते हम लोग ऑन टॉप ऑफ दैट डिस्पाइट लिविंग इन क्लोज अप्रॉक्सिमिटी द करैक्टर्स ऑफन फील आइसोलेटेड and lonely due to their inability to connect with each other. आइजोलेटेड एंड लोनली हमारा थीम चल रहा है हमने इसको मार्कर से लिख लिया ठीक है फिर हम लोगों ने कोटेशन को ऐड किया जिमी वी आर ऑल लोनली ठीक है एडमिन टैरोन वी डो नाट सीम टू बी एबल टू हेल्प ईच अदर मच डू वी ठीक है अब ये एडमेंट आयरॉन जो है ना ये इंपॉर्टेंट करेक्टर भी था हमारे इस पूरे प्ले के अंदर जो मैंने बताया था ना ड्रंकन वाली कोटेशन वो एडमिन की कोटेशन थी ठीक है तो मतलब बी ड्रंकन ड्रंकन ऑफ वर्ट इसमें वो कहता है किसके लिए सोर्स ऑफ स्केप के लिए और एडमिन का करेक्टर बेसिकली ऑटोबायोग्राफिक का करेक्टर है हमारा यूजीनो यूजनोन का जो करेक्टर है ना मतलब जो हमारे इस प्ले का मेन राइटर है राइटर ने एडमिन को अपना ऑटोबायोग्राफिक का करेक्टर प्रजेंट किया इस नावल इस प्ले के अंदर तो एनी हम बात कर रहे थे कि ऑन टॉप ऑफ दैट लिख के हम लोगों ने लाइन्स लिखी जहाँ पर हमारा थीम आया था उस थीम को हम लोगों ने मार्कर से लिख लिया हम लोगों ने फिर कोटेशन को मार्कर से कोट कर लिया फिर हम लोग नेक्स्ट जैसे कि नेक्स्ट पे हम लोग कहते थे ओवर एंड अबव दैट या इन टू द गेन या टू बूट हम टू बूट लिख के नेक्स्ट कोटेशन लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट थीम को डिस्कस कर सकते हैं अब जब हमारे थीम्स हो जाएंगे हमने करना है हमारे इस क्वेश्चन को कंक्लूड तो इन अर्ट शल लिख लें या टू कंक्लूड दीज थीम्स इंटर द क्रिएट टू क्रिएट अजन एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन रिविलिंग द कम्प्लेटीज ऑफ द करेक्टर्स लाइफ एंड द यूनिवर्सल स्ट्रगल्स दे फेस ठीक है ये लिखें या फिर मतलब तो ये देखें ये क्या चीज़ है ये जो फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ है ना ये मेरे बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ से मुलता है जब मैंने कंप्लेसिटीज एंड स्ट्रगल्स की बात की थी मतलब कि जो हमारा लास्ट पैराग्राफ़ी कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है ना उसमें हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हम लोग वर्ड्स को री करके लिखते हैं ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने सीखा अटैम्प्ट करने का मैथड कि अगर थीम्स आ जाते हैं हमारे लॉन्ग ड्रेस्ट जर्नी के तो हम लोगों ने कौन कौन से थीम्स को डिस्कस करना है उनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस कौन सी है और किस वे में डिस्कस करना है जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं उसको मार्कर से लिख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट थीम्स आ रहे हैं उनको हम मार्कर से लिख रहे हैं हम लोग बुलेट्स या पैरा वो पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे क्योंकि लिटरेचर का पेपर जब भी बुलेट्स या पॉइंट की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बच्चों वाला पेपर लगता है ठीक है तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दो में खास याद रखेगा स्टेट दस टेक केयर